तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी को एक घड़ी दिखाने वाला हूँ। और आज सिर्फ एक ही घड़ी नहीं दिखाएंगे हम, हमारे पास एक और घड़ी है। ये देखिए, ये रही हमारी बहुत ही अच्छी सी घड़ी। आज हम लोग आपको इनका कंपैरिजन और अच्छे से इनका इंट्रोडक्शन करके बताएंगे। ये देखिए, ये रही एक ये वाली घड़ी जो है, ये इसके अंदर टाइम भी बताता है। इसके अंदर टाइम के साथ हमारे पास ये सेटिंग बदलने का भी है। ये हम लोग इसमें से ऐसे बदल सकते हैं, और इसमें वो हमारे पास टाइम बदलने का भी आता है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं और अपने टाइम को हम बराबर कर सकते हैं। अगर आपका ये जो ब्लिंक हो रहा है, अगर ये आपका सही से अगर ये ब्लिंक होता है तो फिर समझ जाइए कि आपकी घड़ी चल रही है। और अगर ब्लिंक नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपकी घड़ी रुकी हुई है। तो इस वाली घड़ी के जो फंक्शन है कि इसमें ये हम लोगों को ये नाइन ये आप लोगों को 6 टू ये आपको 3 से लेकर 8 साल तक के बीच में चलेगी। और क्योंकि इसका स्ट्रैप थोड़ा सा छोटा होता है, और इसमें अगर मैं अपना हाथ डाल के देखूं तो ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको पहन लिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको पहना है तो फिर ये मुझे आखिरी के एक स्ट्रैप या आखिरी के जो आखिरी का दिख रहा है आपको, ये आखिरी वाला है, तो मेरे आखिरी वाले में फिट होगी अगर ये होगी तो, क्योंकि मेरा हाथ अब बड़ा हो चुका है। तो यही बात है। अपीयरेंस की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एंग्री बर्ड्स दी मूवी की मिलती है। और इसके इसके जैसे बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, जैसे कि मैं आपको और भी थोड़ी घड़ियों के बारे में बता सकता हूँ जो इसके जैसी होती हैं। जैसे कि आपको इसके बेंटेन का मिल जाएगा, आपको इसका ट्रांसफॉर्मर्स का भी मिल जाएगा, आपको इसके और भी कई सारे टाइप के मिल जाएंगे। तो फिर ये रहा हमारा इस वाली घड़ी के फंक्शन। अभी तो हम लोगों ने आपको अपीयरेंस, डिस्प्ले और हाथ फिट होने वाला बताया है। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई है या तो आपको चाहिए, अगर आपकी एज 3 टू 8 है तो आप इसको ज़्यादातर परचेज कर सकते हैं। और ये अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएगी। ये मैक्सिमम अगर आपको मिल सकती है तो मैक्सिमम इसका जो प्राइस है वो है 220 250 टू 220। और जो इसका लोएस्ट प्राइस है वो है, वो मिल जाएगा आपको 100। ओके सो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये इसके लाइट भी होती है, इसमें 24 होते हैं। ये अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे घर में लाइट ऑन है, अभी सुबह चल रही है, तो इसीलिए आपको ये अभी नहीं मिलेगा, ऐसे रोशनी सही से नहीं आएगी। लेकिन इसमें से 24 कलर्स के टाइप इसमें से 24 टाइप्स के निकलते हैं। ओके तो फिर हमारी इस वाली घड़ी की बात हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें टाइम भी बताता है। ये तो हो गई बात इस एंग्री बर्ड्स वाले की। ठीक, अब हम लोग दूसरी घड़ी की बात बढ़ते हैं। तो ये वाली जो घड़ी है दोस्तों, ये आपको फिट हो सकती है। या तो आप छोटे से, अगर आप कितने साल के हो, अगर आप अगर आप 5 ईयर्स के हों और आपको ये आप इसको 13 14 ईयर्स तक के साल तक के ख़रीद सकते हैं। 5 से 14 15 तक का ये चल सकता है ईयर्स तक। तो मैं ये वाले साल नहीं बता रहा, मैं वो वाले साल बता रहा हूँ कि ये कितने साल एज के हिसाब से। तो अगर आप 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, तब आप इसको ज़्यादातर परचेज़ करिए। ठीक, तो ये रहा, ये बनाया हुआ है, इसमें इसका नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको मिला हुआ दिख रहा है G-SOC 2। और यहाँ पर ट्रिपल सेंसर कुछ करके आता है, इसका मुझे फंक्शन नहीं पता। तो यहाँ पे हमारा कैजुएट का है, ये यहाँ पे मोड्स हैं कुछ, ये इससे हमारा मोड चलता है। लेकिन पहले जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो ये बात है कि ये वाली घड़ी आपको मिल जाएगी 200 300 200 की मिल जाएगी, 300 400 500। अब इसको 500 तक में आपको ये मिल सकती है, लेकिन कौन इतना महंगा खरीदे, सभी लोग तो सस्ता ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमको जो दिखाया जा रहा है वो है कि यहाँ पे हम लोगों को अपने टाइम भी बताया जा रहा है। 8:30 हो रहा है अभी,
और अभी सेकंड्स भी इसमें बता रहे हैं छोटे छोटे करके, और ऊपर की साइड में ये इन सब का नहीं पता मुझे। यहाँ पे एक दिख रहा है कुछ लाइन करके, और ये जहाँ पे 10:31 लिखा है वहाँ पे डेट है 10 बता रहा है ये, वो अपने अक्टूबर का 10th अक्टूबर, मतलब वो बता रहा है 10th मंथ चल रहा है अभी इस साल का। तो अभी 31 दिखाएगा, और ये 31 दिखा रहा है डेट का, आज आखिरी दिन है, लेकिन कल भी अपनी छुट्टी है, कल सैटरडे मतलब संडे है, आज सैटरडे ये दिखा रहा है ऐसे करके सैटरडे। और इसका मुझे पता नहीं कि ये 10, 0, -10 ये क्या है, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता कभी कभी भी नहीं। तो चलिए हम इसके दूसरे मोड्स की बात कर लेते हैं। इसका ये जो पहला मोड है इसमें सैटरडे करके दिखा रहा है, ऊपर 0 है, ये नीचे की साइड में ये अपना टाइमर है स्टॉप वॉच। फिर उसके बाद एक और मोड दिखाता हूँ, यह हमारा हो गया अपने घड़ी वाला, ये रहा हमारा वो है, ये अलार्म है, हमको वो करना पड़ेगा रीसेट, रीसेट दबाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको अभी 2 मिनट बाद का कर दूं, 1 मिनट रुकिए, मैंने इसको 1 मिनट आगे का कर दिया है, अभी थोड़ी देर में इसका 10:32 मतलब 10:32 हो रहा है, अभी थोड़ी देर में शायद अलार्म बजे, मैंने 8:33 का करके रखा है। अभी नहीं बजा पता नहीं दोस्तों के, एट थर्टी थ्री का तो डाला था लेकिन अभी हुआ नहीं। ओके, तो अभी मुझे लग रहा है ये बाद में 1 मिनट बाद में करने वाला है। ओके, तो हमारी बात यहीं ख़त्म होती है, इसका स्ट्रैप बहुत बड़ा है। ओके बाय।